स्टीयरिंग पे वाइब्रेशन फील होना, हाई स्पीड पे फ्लोरबोर्ड या सीट पे वाइब्रेशन फील होना, टायर के ट्रेड का अनइवन या तेजी से घिस जाना, ये सारे प्रॉब्लम्स आउट ऑफ बैलेंस टायर्स की वजह से होते हैं। इन सारे प्रॉब्लम से बचने के लिए गाड़ी के व्हील को बैलेंस करना बहुत ही जरूरी है। सो गाइज, आज हम सीखने वाले हैं व्हील बैलेंसिंग मशीन का यूज करके व्हील को बैलेंस करना। हाई फ्रेंड्स, माई नेम इज जयपाल एंड वेलकम टू अवर चैनल ओरा। व्हील बैलेंसिंग हर 5 से 6 हजार किलोमीटर या 6 महीने में टायर रोटेशन के साथ किया जाता है। टायर रोटेशन, व्हील बैलेंसिंग और व्हील अलाइनमेंट, ये तीन टायर से मैक्सिमम आउटपुट लेने के लिए अत्यंत आवश्यक है। चाहे वह ब्रांड न्यू कार हो या फिर पुरानी कार हो, ये टेक्निक से टायर जल्दी नहीं घिसेंगे और वे अपने बेस्ट शेप में बने रहेंगे। सो गाइज, लेट स्टार्ट द व्हील बैलेंसिंग प्रोसेस। सबसे पहले हमें एयर प्रेशर चेक एंड करेक्ट कर लेना है। उसके बाद टायर और रिम का एक्सटर्नल ऑब्जर्वेशन यानी कि बाह्य निरीक्षण करके दोनों की कंडीशन चेक कर लेना है। टायर ज्यादा घिस गया हो या डैमेज हो गया हो या कोई खराबी हो तो उसको बैलेंस करने का कोई मतलब नहीं है। रिम अगर बेंड हो गई हो तो उसे थ्रू करवा लेना चाहिए, उसके बाद ही बैलेंसिंग करना चाहिए। रिम के माउंटिंग होल्स अगर बड़े हो गए हो तो रिम को चेंज करने की जरूरत है। ये सारी चीजें चेक एंड करेक्ट करने के बाद व्हील को व्हील बैलेंसिंग मशीन की शाफ्ट पे स्पीड नट माउंटिंग का यूज करके अच्छे से बिठाए। उसके बाद व्हील प्रॉपर फिट हुआ है या नहीं वो चेक कर ले और उसको हाथों से घुमा के देख ले कि व्हील वॉबल तो नहीं हो रहा है। व्हील अगर वॉबल होगा तो मशीन में रीडिंग गलत आएगा और व्हील बैलेंसिंग नहीं हो पाएगा। वेट हैमर का यूज करके टायर के ट्रेड में लगे कंकड़ पत्थर आदि निकाल ले। व्हील पे अगर कोई पुराने वेट लगे हुए हो तो सभी पुराने वेट व्हील की दोनों बाजू से वेट हैमर का यूज करके निकाल ले। इतना हो जाने के बाद व्हील बैलेंसिंग मशीन को ऑन करें। अब हमें व्हील बैलेंसिंग मशीन में 3 अलग अलग डायमेंशंस की एंट्री करनी होगी। 1, मशीन से व्हील रिम का डिस्टेंस। 2, व्हील रिम का डायामीटर। 3, व्हील रिम की विड्थ यानी कि व्हील रिम की चौड़ाई। चलिए वन बाय वन तीनों डायमेंशंस की एंट्री करते हैं। मशीन से रिम का डिस्टेंस चेक करने के लिए मशीन में उपलब्ध मेजरमेंट एक्वाजिशन वॉन्ड यानी कि रूलर का यूज करें। यहाँ पे 70 mm का डिस्टेंस है तो हम रिम डिस्टेंस वाले बटन पे एक बार क्लिक करेंगे, उसके बाद प्लस और माइनस बटन का यूज करके 70 की एंट्री कर रहे हैं। आपको अपने व्हील का डिस्टेंस चेक करके वो एंट्री करनी है। उसके बाद व्हील रिम डायामीटर की एंट्री करनी है जो कि टायर के साइड वॉल पे दिए हुए टायर के डायमेंशंस में R के बाद लिखा हुआ होता है। ये टायर 15 inches का है तो हम रिम का डायामीटर 15 सेट करेंगे। उसके लिए रिम डायामीटर के सिंबल वाले बटन पे क्लिक करके प्लस और माइनस बटन का यूज करना है। और तीसरा डायमेंशन जो कि रिम की विड्थ यानी कि चौड़ाई है, उसको हम व्हील विड्थ कैलिपर का यूज करके मेजर करेंगे। इस व्हील के रिम की चौड़ाई 5.5 है तो हम रिम विड्थ के बटन को क्लिक करके प्लस और माइनस वाले बटन से 5.5 सेट करेंगे। ये तीनों डायमेंशंस हमें सही एंटर करने होंगे वरना मशीन रॉन्ग आउटपुट देगा। इतना हो जाने के बाद हमें व्हील से थोड़ा सेफ डिस्टेंस बनाए रखना है और जो प्रोटेक्टिव हुड है उसे नीचे लाना है। जैसे ही हम प्रोटेक्टिव हुड को नीचे लाएंगे व्हील ऑटोमेटिक घूमने लगेगा और मशीन कंट्रोल पैनल पे वेट डिस्प्ले करेगा जिसमें 2 अलग अलग वेट डिस्प्ले होंगे। लेफ्ट साइड वाला वेट व्हील के इनर साइड पे लगाना है और राइट साइड वाला वेट व्हील के आउटर साइड पे लगाना है। यहाँ पे लेफ्ट साइड पे 15
और राइट साइड पे 00 दिखा रहा है, यानी कि हमें व्हील के इनर साइड पे 15 ग्राम वेट लगाना है और आउटसाइड पे कोई भी वेट नहीं लगाना है। आपको अपने व्हील को बैलेंस करने के लिए मशीन के द्वारा दिखाया गया जरूरी वेट लगाना है। वेट लगाने के लिए प्रोटेक्टिव हुड को ऊपर उठा ले, व्हील को अपने हाथों से धीमे धीमे घुमाते जाए और मशीन के कंट्रोल पैनल की डिस्प्ले में जैसे ही सेंटर लाइट ब्लिंक हो वहीं पे रुक जाए। लेफ्ट या राइट दोनों साइड का 1x1 सेंटर लेके वेट लगाना है। फॉर एग्जाम्पल, पहले इनर साइड की सेंटर लाइट ब्लिंक करके टायर को वहीं पे स्टेडी पकड़ के रखना है और व्हील रिम की अंदर की धार पे मशीन की शाफ्ट की वर्टिकल लाइन में हमें वेट लगाना है। उसके बाद आउटर साइड का सेंटर लेके व्हील रिम की बाहर की धार पे वेट लगाना है। यहाँ पे हमें सिर्फ इनसाइड यानी कि व्हील रिम की अंदर की धार पे 15 ग्राम वेट लगाना है। तो हम व्हील को हाथों से घुमा के लेफ्ट साइड का सेंटर सेट करेंगे और व्हील रिम के अंदर की धार पे शाफ्ट की वर्टिकल लाइन पे 15 ग्राम वेट हैमर का यूज करके लगा रहे हैं। इस रिम में आउटर साइड का वेट 0 दिखा रहा है, तो हम रिम के आउटर साइड पे वेट नहीं लगा रहे हैं। इनर साइड और आउटर साइड दोनों साइड के वेट लगाने के बाद व्हील से सेफ डिस्टेंस बनाए रखते हुए जैसे ही हम प्रोटेक्टिव हुड को नीचे लाएंगे व्हील घूमने लगेगा और कुछ ही सेकंड्स में हमें रिजल्ट मिल जाएगा। मशीन में इनर साइड और आउटर साइड के दोनों रीडिंग 00 आ जाए तो हमें समझना है कि हमारा व्हील प्रॉपर बैलेंस हो गया है। अगर हमें एलॉय व्हील्स का बैलेंसिंग करना है तो उसके लिए सूटेबल कॉन और माउंटिंग कैप का यूज करना है, जिसका हमें ध्यान रखना होगा, और एलॉय व्हील्स पे स्टिकर वेट लगते हैं। सो गाइज, व्हील बैलेंसिंग के बारे में आज का ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपका कोई भी सवाल या सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग माई वीडियोज एंड कीप एनहेंसिंग योर टेक्निकल स्किल्स।